लद्दाख में सैनिकों पर हमले के बाद भारत चीन के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। चाइनीज ऐप बैन होने के बाद अब केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। मतलब ये कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सरकारी खरीद में अब चाइनीज कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो पाएंगी। एक रिपोर्ट देखिए। सीमा पर मौजूदा तनाव के लिए मोदी सरकार ने चीन को घरेलू बाजार में भी झटका देने वाला एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीन समेत उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिए हैं जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। नए नियमों के मुताबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिल्डर्स को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। भारत सरकार के इस फैसले को चीन को काउंटर करने के तौर पर देखा जा रहा है। भारत सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि भारत की सीमा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से लगती है। हालांकि सरकारी बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत की सीमा से लगे देश के बिल्डर्स किसी वस्तु या सेवा की खरीद में बोली तभी लगा पाएंगे जब वे किसी अथॉरिटी के साथ पहले रजिस्टर्ड होंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर मंजूरी लेना भी अनिवार्य होगा। ये पाबंदियां सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थाओं और सरकारी इंटरप्राइजेस की तरफ से जारी किए गए टेंडर्स पर लागू होंगी। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को लेकर भी भारत सरकार ने इसी तरह के निर्देश जारी किए थे। कोरोना महामारी में कमजोर पड़ रही भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण से चीनी कंपनियों को रोकने के लिए FDI के नियमों को सख्त कर दिया गया था। भारत ने उस वक्त भी चीन का नाम नहीं लिया था, लेकिन भारत में कारोबारी हित जुड़े होने की वजह से चीन की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। चीन ने इसे नीतिगत भेदभाव करार दिया था। आपको बता दें कि लद्दाख में जून महीने में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद से ही चीनी कंपनियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए TikTok समेत 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। GB Live की रिपोर्ट।